हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो गाइस, आप सबसे मैं बता दूं कि कल से फिर से वीडियो पर व्यूज रुक गया है, और आपको मैं उस दिन तो सपोर्ट की है, पर इस वीडियो पर व्यूज रुक गया है। तो आप लोग जितने मेरे YouTube फैमिली देखे उन वीडियो को उसी तरह इस भी वीडियो को देखिए आप लोग, कल भी वीडियो जो डाले हैं उसको भी देखिए आप लोग। क्योंकि आप लोग से मैं बता दूं कि बहुत घर के तनाव से कुछ झेल कर वीडियो हम लोग बनाते हैं, तो उतना नहीं बता सकते हैं गाइस कि हम यूट्यूब पर नहीं लाना चाहते हैं अपने घर को बात। तो गाइस, हम सपोर्ट कीजिए आप लोग। अगर सपोर्ट करेंगे तभी मैं वीडियो बना पाऊंगी, क्योंकि ऐसे भी घर वाला सपोर्ट नहीं करता है। आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे तो हम कुछ कर पाएंगे, क्योंकि आप हमें सपोर्ट करते हैं, हमें किसी की बात पर ध्यान नहीं देते हैं। तो आप हमें ऐसे ही सपोर्ट कीजिए। तो आप लोग कल देखे कि घर वाले बोले हमें, तो बोलने दीजिए, जिनको बोलना है उनको बोलने दीजिए। मैं वीडियो बनाना नहीं छोड़ूंगी, हमेशा से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद कोई कैसे छोड़ सकता है। जब तक ले मैं इस वीडियो पर, इस ब्लॉग पर कुछ करके ना दिखाऊं, तब तक मैं वीडियो बनाना नहीं छोड़ूंगी छोड़ेंगे। तो आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मेरा जो सपना है वो मैं पूरा कर पाऊंगी, और आप लोग के हाथ में है दोस्तों। हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी मैं कुछ कर पाऊंगी। तो गाइस, हमें सपोर्ट कीजिए आप लोग, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि वीडियो डालने में कितना कुछ करना पड़ता है, कितना मेहनत करना पड़ता है। और बाकी की आप लोग देख ही सकते हैं मेरे घर के हालत, बताने की तो ज़रूरत नहीं है। तो रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोग कि हमें सपोर्ट करेंगे आप लोग, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। आप लोग मेरे वीडियो को भेज जाता है तो वीडियो भी बनाने में अच्छा लगता है। आप सपोर्ट नहीं करते हैं तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है गाइस, क्योंकि इतना मेहनत करती हूँ, और 20-30 भी जाएगा तो कैसा लगेगा आपको पता। तो और आप लोग कमेंट भी नहीं करते हैं, बहुत बुरा लग रहा है दोस्तों कि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। कमेंट कीजिए आप लोग, कमेंट करते हैं आप लोग तो बहुत ही अच्छा लगता है। एक भैया ने बोले थे कि सिस्टर तुम ऐसे ही वीडियो बनाना, कभी अश्लील मत करना। तो भैया, आपसे मैं बोलना चाहती हूँ कि मैं अश्लील कभी बनाना भी नहीं चाहती हूँ, कभी बनाऊंगी भी नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम अच्छे वीडियो बनाएं, अच्छे मेरे वीडियो देखें आप लोग, क्योंकि अश्लील हमें अश्लील संतुर रहते हैं, और अश्लील बनाने के बारे में तो मैं सोचती भी नहीं हूँ। आप लोग जानते हैं मेरे भी हर एक वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि कोई भी मेरा अश्लील वीडियो नहीं होगा, आया पहले भी नहीं आएगा कभी भी, क्योंकि एक इस वीडियो सबको मैं बनाती हूँ कि आप लोग अपने घर के बीच भी देख सकते हैं, देख सकेंगे। और ऐसे नहीं कि मतलब अकेले में जाकर देखो, दूसरे ब्लॉगर के देखिए कैसे कैसे कर रहे हैं लोग। हम सोचते हैं कि अच्छा करके कुछ आगे बढ़ो, कि लोग हमें देखें, तो आने वाले जितने भी यूट्यूबर हैं वो सोचे कि हाँ, वो अपने मेहनत से आगे बढ़िए, तो ऐसे ही हम करें। तो आप लोग उन लोग के सपोर्ट करते हैं जो अश्लील करते हैं, इसीलिए सब करता है अश्लील। तो चाहे यूट्यूब कोई खाली लड़का ही नहीं देखता है, यूट्यूब पर माँ बहना चाचा सब कुछ देखते हैं, सब कुछ देखते हैं यूट्यूब।
तो बताइए, छोटे बच्चे भी देखते हैं, उन सब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हम सोचते हैं कि अच्छे वीडियो हम बनाएं और अच्छे हमें सपोर्ट कीजिए आप लोग अच्छे वीडियो को, तो हमें अच्छा लगेगा क्योंकि आप लोग देख ही सकते हैं मेरी वीडियो में क्या कुछ रहता है। तो अब जानते हैं आप लोग कि यूट्यूब पर खाली अश्लील ही चल रहा है, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। अश्लील करके आगे क्यों बढ़े, इज्जत मिलेगा नहीं। ऐसा करो कुछ कि इज्जत मिले कहीं जाओ तो, है ना गैस। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो लंबा होने जा रहा है, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।